السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे को तीन आयतों की वजाहत की गई थी, मालिकी यौमिद्दीन तक तफसीर हुई थी। इन तीन आयतों में बंदा अपने रब की हम्द सना करता है, उसकी तारीफ और उसकी तौसीफ बयान करता है। और हम्द अल्लाह को बहुत पसंद है। हम्द से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए अपनी रहमतें और बरकतें आम फरमा देता है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का कौल नकल फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی۔ یہ تین آیتیں ہیں، تین آیتوں میں بندہ اللہ کی تعریف اور توصیف اور بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتا ہے، جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، مطلب اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت اللہ کی اور مدد اپنے لیے طلب کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ تو ساڑھے تین آیتیں اللہ کی تعریف ہوئی اور آدھی آیت میں بندے نے اللہ سے مدد مانگی۔
फिर जब बंदा कहता है इहदिन الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए उसकी जरूरत का सवाल है और जो कुछ मेरे बंदे ने मुझसे मांगा है मैं सब उसको दूंगा। तो अब 3.5 आयतें बंदे के सवाल पर मुश्तमिल हो गई और 3.5 आयतें अल्लाह ताला की हम्द व सना पर मुश्तमिल हो गई। इहदिनस सिरातल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं, ये जो अरबी का अंदाज है उसमें ये माने छुपे हुए हैं। तेरे साथ बंदगी में किसी को शामिल नहीं करते और मदद भी तेरे अलावा किसी से नहीं मांगते। ये तौहीद है, ये अल्लाह तबारक व ताला को वाहिद और यकता जानना है जो इस्लाम की रूह है, इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन है और जो एक मोमिन को सबसे मुमताज कर देता है, अल्लाह की इबादत का इकरार। अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, इससे बंदा तमाम गैरुल्लाह का इनकार कर रहा है, चाहे वो चांद सूरज हो, चाहे वो दरख्त हो, पत्थर हो, समंदर हो, दरिया हो। और जब बंदा महरूम हो जाता है अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद से तो फिर हर चीज के सामने वो झुकने लगता है, हर चीज को माबूद बना लेता है, हर चीज से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, हर चीज से डरने लगता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान और अल्लाह का इकरार और सिर्फ उसी की इबादत का कायल होना, ये बंदे को तमाम दरों से और तमाम चौकटों से और तमाम तरह के झुकने के मकामात से बंदे को इज्जत के साथ अल्लाह तबारक व ताला का बंदा बना देता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। ये सबसे बड़ा फजल है जो एक मोमिन को हासिल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने वो हजारों माबूदों से हमें बचा लिया। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, ضرب الله مثلا رجلين متشاكسون في ورجلا سلما لرجل, کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے کئی خدا ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ توحید کی مثال अल्लाह तबारक व ताला ने तौहीद की मिसाल दी है, बहुत ही दिल को लगने वाली मिसाल दी है। इरशाद फरमाया ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون, کہ اللہ تعالی نے مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں اور سب جھگڑنے والے ہیں, وہ کئی کا غلام ہے, تو ایک کہتا ہے کہ بازار جاؤ, ایک کہتا ہے گھر جاؤ, ایک مشرق کی بات بتاتا ہے, ایک مغرب کا حکم دیتا ہے, بالکل وہ سب مختلف خداؤں اور مختلف اپنے آقاؤں
के दरमियान वो परेशान रहता है, वो इसकी मानता है तो दूसरा नाराज होता है और दूसरे की मानता है तो ये नाराज होता है। वह रजुलन सलमल लिरजुल, और एक शख्स है जो एक ही का गुलाम है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? वो रहीम और करीम आका है उसका, और वो उसको वही हुक्म देता है जो उसके लिए आसान होता है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने मिसाल दी है कि मुशरिक वो कितना परेशान रहता है और वो दर दर पर झुकता है, लेकिन फिर भी उसके दिल को इत्मीनान और सुकून नहीं मिलता, जैसे वो गुलाम जिसके कई आका हों और सब अलग अलग हुक्म दे रहे हों। तो ये तौहीद जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इम्तियाज के तौर पर बख्शा है, तौहीद का हदिया हमें दिया है, इसकी कदर करना चाहिए। आजकल हमने भी अपनी तौहीद को मुतासिर कर दिया है, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हम भी बहुत सारी जाहिलियतों में मुब्तला होकर कई जगह सर झुकाने लगे हैं। हमारे जो भाई जाहिल होते हैं और जो दीन की नियमत से नावाकिफ होते हैं, वो कई जगह जाकर अपनी झोली फैला देते हैं, अपने हाथ फैला देते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है कि मैं दूंगा तुम, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम कहो मैं करीब हूँ। उजीबु दावत अद्दाई इदा दआनी फलियस्तजीबूली वलयुमिनु बी, मैं दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, वो मेरी बात माने, मेरे ऊपर ईमान रखे, मैं उन्हें नवाजूंगा। किसी दर पर जाने की जरूरत नहीं है अल्लाह के दर को छोड़कर। तो तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, मदद भी सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला से मांगना है, मदद भी कहीं और ना मांगना है। अगर औलाद चाहिए तो औलाद अल्लाह तबारक व ताला से मांगना है, रिस्क में बरकत चाहिए तो रिस्क में बरकत अल्लाह तबारक व ताला से मांगना है, और कोई मर्ज की शिफा चाहिए तो वो भी अल्लाह तबारक व ताला से तलब करना है। और कोई नहीं दे सकता, किसी के हाथ में नहीं है, न किसी बुत के हाथ में है, न किसी जानवर के हाथ में है, न किसी देवी और देवता के हाथ में है, और न किसी वली और किसी नबी के हाथ में है। अल्लाह तबारक व ताला ने सारे इख्तियारात और सारी कुदरत वो अपने पास रखी है, और नबी भी यही दावत देते थे कि तुम उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब, मैं भी उसी के सामने झुकता हूँ, मुझे भी जब बीमारी होती है तो वही शिफा देता है, अल्लाह तबारक व ताला ही मुझे शिफा देता है। कुरान शरीफ में हजरत इब्राहिम का कौल नकल किया कि मैं तो फइन्नहुम अदुवुल्ली इल्ला रब्बल आलमीन, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, सिर्फ उस रब्बुल आलमीन को मानता हूँ, अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया है वही मुझे रास्ता दिखाता है, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। तो सारे अंबिया ने अपनी उम्मत को इसी की तालीम दी, लेकिन नावाकिफियत से फिर बाज़ अंबिया को खुदा बना लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसकी बंदी का बेटा हूँ, लेकिन उसके बाद सेंट पॉल हुआ, जिसने थोड़े ही दिनों के बाद हजरत मसीह के इस दुनिया से उठा लिए जाने के बाद वो दीन मसीह को तब्दील कर दिया और उनको खुदा और खुदा का बेटा मान लिया, और जिन्होंने एक अल्लाह के सामने झुकने की दावत दी थी उन्हीं को शिर्क का जरिया बना लिया। हमारे बाज़ भाइयों ने भी गैरों की नकल में, हम लोग शिरकिया माहौल में रहते हैं, हमारे बच्चे शिरकिया माहौल से सीखते हैं, वो स्कूल में भी जाते हैं तो शिरकिया तालीमात से मुतासिर होते हैं। हमें उनको तौहीद समझाने की ज़रूरत है कि हम किसी को खुदा नहीं मानते, किसी के सामने नहीं झुकते, किसी को नमन नहीं करते, ये और ज़मीन भी खुदा नहीं है, वंदे मातरम हम इस ज़मीन के बंदे भी नहीं हैं, ये सारी चीजें तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए बनाई, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया और ये सारी हमारी खिदमत के लिए बनाई है। लेकिन जब बंदा नियामत से महरूम होता है हिदायत की नियामत से, तो
तो जो चीजें उसकी खिदमत के लिए है वो उसकी मखदूम बन जाती है, वो उसकी माबूद बन जाती है। तो तौहीद की कदर करना चाहिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो इबादत को मुकद्दम किया कि इबादत, तुम अल्लाह की इबादत करो और फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो फिर आप अल्लाह से मदद मांगेंगे तो आपको हया नहीं आएगी कि अल्लाह ने जिस काम के लिए तुम्हें पैदा किया है, जिसका हुक्म दिया है, वो नहीं कर रहे हो और फिर जब जरूरत पड़ रही है तो अल्लाह से सवाल कर रहे हो। तो इसलिए कहा अल्लाह तेरी ही इबादत, इबादत को मुकद्दम किया और फिर मदद को दोबारा, दूसरी बार मदद मांगने का जिक्र किया। तो अल्लाह की इबादत करो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को सिखाया, वो उनके पीछे सवारी पर बैठे थे, फरमाया या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ए बच्चे मैं तुम्हें चंद बातें सिखाता हूं, सुनो गौर से सुनो। इदा सअलता फसअलिल्लाह तआला, जब सवाल करना हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। छोटे बच्चों को ये सब सिखाने की जरूरत है। उनकी उम्र उस वक्त 12-13 साल की थी, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो 14-15 साल की बताते हैं, तो जिंदगी में सिखाया होगा, हो सकता है 11-12 साल के रहे हों। तो ऐसे तरबियत करने का अंदाज होता है। पीछे सवारी पर बैठे हुए हैं, बाप सफर के साथ अपने बच्चे को ले जा रहा है, अपने भाई को ले जा रहा है, इसमें इधर उधर की बातें करने के बजाय अभी मौका अच्छा रहता है कि आप दीन की तालीम उसके जहन में, उसके दिल में उतार सकते हैं, ताकि वो जिंदगी में इस दीन की रोशनी में जिंदगी गुजारे, उनके दिल में ये पेवस्त हो जाए। तो आप सवारी पर बैठे हैं और पीछे भाई बैठे हैं, चचा के लड़के कह रहे हैं ए भाई, ए मेरे बेटे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कुछ बातें, गौर से सुनो, जब मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। इज़ा सअलत फसअलिल्लाह तआला व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मदद की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मदद लो। और फज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह ताला का ख्याल करो, अल्लाह ताला तुम्हारा ख्याल करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह का तसव्वुर करो, तुम जहां भी रहोगे अल्लाह को अपने सामने पाओगे। कैसी मुसीबत हो, कैसी परेशानी हो, बस आप अल्लाह का तसव्वुर कर लीजिए तो बस अल्लाह तबारक व ताला को आप अपने सामने पाएंगे, आपकी मदद अल्लाह तबारक व ताला उसी वक्त फरमाएगा, तो अल्लाह ताला को तुम अपने सामने पाओगे। और जान लो कि अगर सारी दुनिया तुम्हें नफा पहुंचाने पर मुत्तफिक हो जाए तो कुछ नफा नहीं पहुंचा सकती पूरी इंसानियत मिलके, पूरी दुनिया मिलके, मगर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। और जान लो अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यदुर्रुका बिशयइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशयइन कद कतबहुल्लाहु अलैक, कि अगर सारी इंसानियत तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर मुत्तफिक हो जाए तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती मगर जो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। तो ये अकीदा जब हो जाएगा बंदा कितना मुतमईन रहेगा। अगर बंदा अल्लाह का बंदा बन जाए बस समझो सारे मसाइल का हल है। कोई नफा नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों किसी से डरता है इंसान? क्योंकि उसके जरर से, उसके नुकसान से डरता है। उम्मीद क्यों लगाता है कि ये नफा दे देगा? जब हमें मालूम होगा कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है तो फिर ये तमाम जो डरने के मकामात हैं और जो उम्मीद लगाने के मरकज हैं वो सब काफूर हो जाएंगे। फिर बंदा निडर होकर जिंदगी गुजारेगा, फिर बंदा वो सर ऊंचा करके जिंदगी गुजारेगा। तो अल्लाह के सामने गुलामी ये सरफराजी। अगर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करना बंदे को आ जाए तो उसका सर ऊंचा हो जाएगा। दूसरों की गुलामी ये जिल्लत है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की गुलामी ये सरफराजी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ा शरफ मिला मेराज का, उसका जिक्र जब कुरान ने किया तो क्या कहा, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम,
अल्लाह की जात पाक है जो अपने बंदे को मेराज पर ले गई, बंदगी का जिक्र किया, बंदगी में आला थे तो अल्लाह ताला ने सबसे इज्जत बख्शी, जो बंदगी में जितना बढ़ जाएगा वो इतना ही इज्जत वाला हो जाएगा, इतना ही सरफराज हो जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। आपने ये बात ऐसी सहाबा के दिल में रासिख कर दी कि वो मांगना बिल्कुल नफरत की निगाह से देखते थे, हत्ता के जो छोटे मोटे सवाल थे वो भी नहीं करते थे मखलूक से। आता है कि अगर इज़ा सक़त सौत अहदिहिम ला यक़ूलु अन युनाविलहु, कि अगर उनका कोड़ा गिर जाता था, वो सवारी पर होते थे तो वो किसी से नहीं कहते थे कि कोड़ा हमें उठा के दे दो, बल्कि वो उतरते थे और अपना कोड़ा उठाते थे और सवार होते थे। ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़ना का सबक सिखाया था कि सबसे बेनियाज रहना चाहिए इंसान, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। इन्नल्लज़ी यमुद्दु रिज़लहु ला यमुद्दु यदहु, जो पांव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। आप शान के साथ रहिए। एक वाकया याद आ गया कि जब बंदा बंदा बन जाता है अल्लाह का, फिर सारी दुनिया से बेनियाज कर देता है। वो वाकया ये है, हलब के एक सईद हलबी एक आलिम गुजरे हैं, तो एक बादशाह था जालिम बादशाह हाकिम वहाँ का, इब्राहिम पाशा, तो हजरत का चर्चा उसने भी सुना कि हजरत बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो आया कि हमें मिलना है हजरत से। हजरत की मस्जिद वो छोटी मोटी थी जिसमें वो नमाज पढ़ते थे, उसका दरवाज़ा भी छोटा था। बहुत बड़ा तذکرہ था उसका कई दिनों पहले से कि वो आ रहे हैं मिलने इब्राहिम पाशा। हजरत ने भी सुन रखा होगा लेकिन कोई तवज्जो नहीं थी, सब परेशान थे कि हजरत तो अपनी बेनियाजी के साथ रहते हैं और कहीं वो खफा हो जाएगा, उसका इकराम नहीं होगा तो फिर तो बहुत जहमत हो जाएगी। लेकिन कोई इनसे कहने की भी जरूरत नहीं करता था कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, कुछ उसका इकराम करने का सामान कर लीजिए, कुर्सी वर्सी तैयार कर लीजिए, कुछ नहीं, उनकी हिम्मत भी नहीं हुई। आखिर में वो आ गए अपने हवारी और अपने खुद्दाम के साथ, वो हाकिम दरवाजे ही पर उनको झुक करके आना पड़ा कि अल्लाह का घर है, तुम्हारी खुदाई और तुम्हारी इज्जत वो यहाँ इसके बाहर है, अल्लाह के घर में आओ तो झुक करके आओ, झुक करके आना पड़ा। हजरत ने पांव फैला रखे थे दर्द की वजह से, पैर फैला करके बैठे थे हजरत और कुछ समझा रहे थे अपने मुरीदीन को और अपने शागिर्दों को। लेकिन जब वो आए तो जालिम था, उनको सबक सिखाना था। अल्लाह के नेक बंदे तकब्बुर नहीं करते, लेकिन जालिमों के सामने झुकना ये तो गलत है। जालिमों को तो थोड़ा दिखाना चाहिए ये तकब्बुर नहीं है बल्कि ये तवाज़ु है। तो बहरहाल वो उन्होंने पांव भी नहीं समेटे, वो बड़ा जलाल में आया लेकिन कुछ नहीं कर सका वो। ये है बादशाहत, दूसरी बादशाहत है ये, तुम्हारी बादशाहत वो कोई नहीं है, ये है हकीकी बादशाहत, तो अल्लाह के बंदे की बादशाहत है। तो आखिर में वो उसी हाल में चला गया, लेकिन बड़ा असर पड़ा हजरत का, हजरत की जियारत करके और बातचीत करके वो चला गया। उसने फिर हजरत को अशरफियों की या पैसों की या और किसी कीमती चीज़ों का हदिया भेजा, थैली में भेजा। तो वो जब आई थैली इनके पास तो इन्होंने कहा जाओ तुम उनसे कहना कि इन्नल्लज़ी यमुद्दु रिज़लहु ला यमुद्दु यदहु, जो पांव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता है, जो पांव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता है। हम पांव फैलाने वाले हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने हमारे हाथ नहीं फैलेंगे, हमारा सर अल्लाह के सामने झुकेगा, हमारे हाथ भी अल्लाह के सामने फैलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसी की इबादत करने और उसी से मदद मांगने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह। Thank you.